हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट्स कस्टर्ड, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, जो कि एकदम बहुत ही क्रीमी बनेगा। और इसमें हम बहुत सारे फ्रूट्स भी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे और उसमें सैफ्रन भी डालेंगे, जो खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होगा। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कढ़ाई लिया है और इसमें मैं डाल देता हूँ 2 कप दूध। ये जो मेजरमेंट है इसका, ये 500 ml है 2 कप मिला के। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं और इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ साबूदाना। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाल देता हूँ, पहले से मैंने पानी में भिगो के रखा था, ये डाल देता हूँ। ये डालने से क्या होता है, थोड़ा सा थिकनेस आता है और आपको एक बाइट रहेगा ना, वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अभी हम इसको उबाल लेते हैं। जो साबूदाना हमने डाला ना, वो इसके साथ ही एकदम बढ़िया सा खुल जाएगा और बढ़िया सा बॉयल हो जाएगा। तो अभी देखिए, हमने थोड़ा सा दूध यहाँ पर निकाल के रखते हैं, जिसमें हम जो कस्टर्ड पाउडर है ना वो हम मिलाएंगे। तो अच्छा से, मतलब आपका जो है ना वो लम्ब्स नहीं बनेगा, एकदम बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। तो यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी जो है आपका हिसाब से आप डाल सकते हैं, आप कितना मीठा खाते हैं उसी का हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अभी मैंने जो दूध निकाल के रखा था ना एक कटोरी में, तो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो देखिए, आप अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो लम्ब्स बनने का बहुत चांसेस है। तो आप क्या करना है, इसे सेपरेटली आपको मिला के डाल दीजिए, वो बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी इसमें लम्ब्स नहीं आएगा। तो देखिए ना कितना अच्छा से मिक्स हो गया। तो अभी हम डाल देते हैं और इसे बढ़िया सा मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना भी बहुत बढ़िया से एकदम खुल गया है। तो इसे मिलाने के बाद आपको और 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में इसे आपको पकाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और थिकनेस लाना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कस्टर्ड मिल के ये बढ़िया सा थिकनेस आ गया है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से चेक कर दीजिए। जब ये कंडीशन में आ जाए तो गैस का फ्लेम जो ऑफ कर दीजिए और इसे आपको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 1.5 से 1 घंटा तक इसे छोड़ना है, क्योंकि इसे रूम टेम्परेचर में लाना है। तो इसे हम बाद में इसे फ्रिज में रखेंगे। तो अभी देखिए ठंडा हो चुका है। तो अभी हम एक बॉल में डाल देते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम बहुत सारे फ्रूट्स जो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो मेरा पास जो भी फ्रूट्स था मैंने वो डाल रहा हूँ। आपका पसंदीदा जो भी फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हैं, मतलब किसी को कोई पसंद नहीं होता है तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि आपको ये डालना है वो डालना है। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ग्रेप्स लिया है, पाइनएप्पल लिया है, और जो है ना अनार और पपैया भी लिया है, बनाना भी लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करता हूँ। आपके पास जो भी है आप ऐड कर सकते हैं और इसे बढ़िया सा मिक्स कर दीजिए। ऐसे सारे फ्रूट्स का भी इसमें डालने का ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको सारे बाज़ार में जाके खरीद करके डालना है, जो भी है आप डाल सकते हैं, 1-2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा से इसको मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली मैंने जो सैफ्रन है ना ये पहले से डालना था लेकिन मैंने भूल गया। तो आपको क्या करना है, तो शुरू में जब आप दूध उबलते हैं ना उसी टाइम से इसे डाल दीजिए, इसका फ्लेवर इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर ऐड कर देता हूँ डेकोरेशन करने के लिए, और अभी हम 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम देखिए इसका ऊपर जो भी एक्स्ट्रा जो फ्रूट्स था मेरा पास और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स था, इसे भी मैंने डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी जैसा लग रहा है। तो आप ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए और इसका जो समर में इसका मज़ा लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगेगा, आप देख सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।